हेलो एवरीवन। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का न्यू सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एकदम ही जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स से एडवांस लेवल्स तक सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे ये जावास्क्रिप्ट हम रियल लाइफ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट है कुछ एक, मतलब जावास्क्रिप्ट सिंपली आप मान लो कि ये है कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सपोज़ ये वाला आपका कोई 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 काम है तो आप कैसे कर सकते हो ये वाला। सपोज ये इसको आप कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हो ताकि वो ये वाला काम को परफॉर्म कर सके। तो ये वाला काम करने के लिए इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, वही जावास्क्रिप्ट है। तो बस इतना ही है। चलिए फिर एकदम वीएस कोड एडिटर पे चलते हैं। और सबसे पहले आप लोग एक काम कर लेना, वीएस कोड एडिटर ये वाला डाउनलोड कर लेना। अगर आप विंडोज़ पे है तो विंडोज़ है, या फिर विंडोज़ पे है तो आप विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लेना, या मैक पे तो मैक वाला डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लिनक्स है उबंटू कहीं पे है तो ये वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सिंपली आप इंस्टॉल कर लेना फिर ये वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं, बस नाम देना है, उसके बाद डॉट जेएस देना। ये डॉट जेएस ज़रूरी है। ये डॉट जेएस किस लिए काम में आता है, क्योंकि हम लोग ये जावास्क्रिप्ट करें तो इसलिए डॉट जेएस देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप लोग सीख गए। तो पहले मूव ऑन करने से पहले अभी एक बात जानती कि ये फर्स्ट टॉपिक है कि वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सपोज आपके पास कुछ वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 15, जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 5, कुछ भी वैल्यू है, या फिर ए इज इक्वल टू आपका नाम है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वेरिएबल क्या होता है, जस्ट कुछ कंटेनर होता है जहाँ पे आप लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10, इसका वैल्यू कितना हो गया 15, इसका वैल्यू कितना हो गया 5, और इसका क्या आपका नाम। तो यही वेरिएबल होता है। तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने का तीन तरीका होता है। एक होता है कॉन्स्टेंट, चलिए वीएस कोड पे आते हैं सीधा। कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, CONST, और एक होता है लेट, और तीसरा होता है वर। वो तीनों में डिफरेंस भी समझ लो। डिफरेंस समझने से पहले एक एग्जांपल देखो कि चलो सपोज मान लो कि ये आपका घर है, इस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पे आपका बेडरूम है। ठीक है, सभी के घर पे एक बेडरूम होता है, और यहाँ पे मान लो एक डाइनिंग है। ठीक है, और ये बेडरूम पे मान लो एक पंखा है, और यहाँ पे एक स्विच है। देखिए आप घर पे तो ऐसा नहीं है कि बेडरूम का जो स्विच है उसी से आपका डाइनिंग का जो पंखा है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। बेडरूम स्विच इज़ फॉर बेडरूम फैन, एंड डाइनिंग स्विच इज़ फॉर डाइनिंग का फैन। मान लो कि एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो। तो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, तो मोटा मोटा बात आपको क्या समझ में आया कि बेडरूम का स्विच से आप डाइनिंग के पंखा को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो आपको सिंपली कॉन्स्टलेट और वर में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, देखो अभी ये कोडिंग लैंग्वेज है तो ये फैंसी टर्म यूज करते हैं। ये आपका जो डाइनिंग है इसको मान लो आप ग्लोबल्स को, ठीक है, और इसको आप मान लो कि लोकल्स को। ठीक है, ये बस एक नाम दे, मतलब ये इसको एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब डाइनिंग को मान लो आप ग्लोबल्स को और इसको मान लो आप लोकल्स को। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि अगर ये एक्स इज इक्वल टू 5 है, ये कुछ वैल्यू है। ठीक है, इसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे, कैसे स्टोर करोगे, कॉन्स्टेंट कुछ भी लिखो, कॉन्स्टेंट लिखो, लेट लिखो, या फिर वर्ड लिखो। ठीक है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी लिखो। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया स्कोप, इसका मतलब क्या है कि ये जो आप यहाँ पे जो आप ऐसे जो बेडरूम लिख रहे हो ना, मान लो कि ये वाला है, इसके अंदर आपका बेडरूम है। ठीक है, तो आप नहीं चाहोगे कि बेडरूम का पंखा आपका जो ग्लोबल स्कोप या फिर आपका जो डाइनिंग है वहाँ से एक्सेस हो। ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट जान लो कि कंसोल लॉक क्या होता है। देखिए कंसोल लॉक कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मेथड है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंटैक्स है। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, बस कुछ नहीं है, सिंटैक्स है। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए कमेंट आउट करने का मतलब होता है कि, अरे चलो आपको ये बात में बताता हूँ कमेंट आउट क्या होता है। चलो सबसे पहले ये देखो कंसोल लॉक क्या होता है। कंसोल लॉक ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप इसके अंदर कुछ लिखोगे, मान लो यहाँ पे कुछ लिख रहे हो आप, मान लो यूट्यूब लिख रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो
जो होता है उसको सीधा सीधा प्रिंट करा देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा अब अगर इसको मैं प्ले करूँगा और फिर जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करूँगा तो क्या होगा, देखो जावास्क्रिप्ट फाइल रन कैसे होता है, यहाँ पे जो एक प्ले बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो जाएगा। देखो ये वाला हो गया, ये टू हो गया। अभी एक डिफरेंस देखो, अब ये देख रहे हो कि मैं इसको कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको बता रहा हूँ। देखो ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा कि क्योंकि क्यों मैं इसको कोटेशन के अंदर और बाहर कोटेशन के अंदर बाहर नहीं लिखा, मतलब कोटेशन नहीं दे के लिखा। ठीक, तो चलो अभी आते एग्जाम्पल में। मान लो एक्स इजिकल टू 10 है, कुछ भी है, तो इसको पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, मान लो कॉन्स्टेंट या फिर कुछ भी लेट या फिर कुछ भी दो, कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट दे, कॉन्स्टेंट एक्स इजिकल टू 10। अभी कैसे क्या करना है, अभी इसको वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना है, कंसोल लॉग करना है, कंसोल लॉग। और क्या करना है इसको, एक्स को वैल्यू यहाँ पे सीधा पुट कर देना है, क्या करते हैं इसका वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर देना है। जहाँ पे जैसे इस जावास्क्रिप्ट फाइल को आप रन करोगे तो क्या होगा, देखो 10 प्रिंट हो गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई आई हैव रिटन द प्रीवियस वन इन साइड द कोटेशन एंड दिस वन नॉट इन द कोटेशन। आपको समझ में आ गया ना क्यों ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। चलो मैं इसको कंसोल लॉक करता हूँ, कंसोल लॉग। जैसे ही मैं इसको कोटेशन के अंदर लिखा, दूसरा करते जिस चीज़ को मैं कोटेशन के अंदर लिखूंगा वो क्या करेगा, मान लो ये मेरा टर्मिनल है, देखो टर्मिनल क्या है, ये जो टर्मिनल है इसको इसको मैं यहाँ पे लिखा था टर्मिनल। तो कोटेशन के अंदर क्या करता है, ये कोटेशन के अंदर क्या करता है, जो भी चीज़ इसके अंदर लिखा है इसको सीधा ही प्रिंट कर देता है। ठीक है, क्या करता है सीधा उसको प्रिंट कर देता है, और जो कोटेशन के अंदर नहीं रहता है उसका वैल्यू को प्रिंट करता है, क्या करता है उसको वैल्यू को प्रिंट करता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास है कुछ भी है, कुछ वेरिएबल है, मान लो योर नेम, योर नेम इज इक्वल टू, मान लो मेरा नाम है, मेरा नाम मैनाक है, मैनाक है। ठीक है, तो मैं अगर इसको कोटेशन ना दे के लिखूँ तो क्या होगा, देखो इसको पहले क्लियर कर देते। देखो मैं कोटेशन के अंदर नहीं लिख रहा हूँ इसको, योर नेम क्या हो रहा है, महीना, इसको सीधा ही प्रिंट करा दे, किसको इसके अंदर जो वैल्यू होती है इसको सीधा प्रिंट करा दे। अगर मैं इसको कोटेशन के अंदर लिखूँ तो क्या होगा, देखो इसको क्या करते कोटेशन के अंदर लिख देते, पहला वाला कोटेशन में नहीं है और दूसरा वाला कोटेशन के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा देखो क्या होगा, पहले में महीना दूसरे में योर नेम प्रिंट हो। देखो इसको अभी ट्राई रन करके देखते क्या होगा, इसको उठाया सीधा कॉपी किया, इधर आया इसको सीधा पेस्ट कर, इसको सीधा पेस्ट कर दिया। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ऐसा रहा है, पहले आया पहले कॉन्स्टेंट, ठीक है, पहले क्या हुआ एक ऐसे कंटेनर डिक्लेयर कर दिया, कंटेनर का नाम क्या था, योर नेम, कंटेनर का नाम क्या था, योर नेम डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या, इसके अंदर वैल्यू, क्या वैल्यू पुट कर दिया, इसके अंदर मैंने को पुट कर दिया, इसके अंदर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अभी क्या हो रहा, कंसोल लॉग, ये मेरा टर्मिनल है, ये मेरा टर्मिनल है। तो पहले वाला ये हुआ, सेकंड में क्या, कंसोल डॉट लॉग कोटेशन के अंदर नहीं है तो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, योर नेम पहले जाता है, अच्छा योर नेम अब एक वेरिएबल हो, इसके अंदर क्या वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दे रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, माइनस। और दूसरे वाले में क्या है, कोटेशन के अंदर है तो इसको क्या कर रहा है, इसको कोटेशन के अंदर है इसीलिए इसको सीधा ही प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, योर नेम। देख रहे हो, देखो यही यही आया, देखो पहले में माइनस दूसरे में योर नेम, तो पता चल गया। अभी एक डिफरेंस देखो, कॉन्स्ट या फिर लेट पे एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो, देखो कॉन्स्टेंट क्या होता है, मान लो आपने कुछ ऐसे डिक्लेयर कर दिया एक्स इजिकल टू 10, मान लो ये कॉन्स्टेंट है, और मान लो ये दूसरा वाला कंटेनर या फिर वेरिएबल है, ये लेट वाला वेरिएबल है, ये वाई इजिकल टू 15 है, एक्स इजिकल टू 10 होने का मतलब क्या, इसके अंदर 10 आ गया। मान लो इन फ्यूचर यू हैव टू चेंज द वैल्यू, मान लो एक्स का वैल्यू क्या करना है, 15 करना है, तो कॉन्स्टेंट में ये वाला वैल्यू चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरे लेट में क्या होता है कि वाई इज इक्वल टू 15 का मतलब ये वाला 15 आ गया,
मान लो दूसरे लाइन पे आप दिए वाई इज इक्वल टू 10, तो क्या करेगा ये ओवरराइट कर देगा लेट पे, क्या करेगा इसको ये ओवरराइट कर देगा, ओवरराइट करके 10 कर देगा। अभी वाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। इसको देखो यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो मान लो कॉन्स्टेंट पे कुछ आप डिक्लेयर कर दिए, एक्स इज इक्वल टू 10, कंसोल लॉक करा, एक्स कर दिया, क्या आएगा जल्दी बताओ क्या आएगा, 15 आएगा राइट, 15 आ गया। अभी मान लो इसका वैल्यू आपको चेंज करना है, एक्स इज इक्वल टू 10 करना है, अभी देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, क्या होगा, असाइन टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जित जो वैल्यू आप पुट करते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओ और एक चीज़ कि ये कमेंट आउट करो, इसका मतलब कि कमेंट आउट करने का मतलब होता है कि ये वाला स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा, ये वाला आपको स्क्रिप्ट कराएगा मतलब आपके यहाँ पे रहेगा बट ये वाला कोड रन नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये जो बैक स्लैश है इसको हम दो बार देते हैं, तो इससे इससे क्या होता है, इससे ये वाला चीज़ रन नहीं होता और ये स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है। देखो ऐसे वैसे भी दे सकते हो या फिर कंट्रोल प्रेस करके एक बार बैक स्लैश प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा, शॉर्टकट है। तो अभी लेट पे आओ, देखो लेट लेट वाई इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग वाई, क्या प्रिंट होगा, देखो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊँ, क्या नहीं रहने देते यहाँ पे, जैसे ही मैं वाई का वैल्यू कर देता हूँ 15, क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, 15 आ गया, देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, तो क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है, पहले लेट वाई, पहले क्या कर दिया कंटेनर डे से डिक्लेयर कर दिया वाई, सॉरी वाई डिक्लेयर कर दिया, तो इसके अंदर क्या डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देगा, 10 को पुट कर दिया, कंसोल लॉग वाई, तो क्या कर दिया वाई का वैल्यू सीधा प्रिंट कर दिया, वाई का वैल्यू सीधा 10 प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आता है वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15, तो क्या करता है ये 10 को क्रॉस करके इसको ओवर राइट कर देता है, क्या कर देता है इसको ओवर राइट कर देता है। तो अभी वाई का कितना वैल्यू हो गया, 15, तो इसका मतलब क्या है ये 10 गायब होके 15 हो गया। अभी कंसोल डॉट लॉग वाई, अभी वाई का वैल्यू कितना है, 15, तो इसलिए ये क्या करता है ये इसको सीधा पहले 10 और दूसरी बार 15 प्रिंट करा देता है। समझ में आया आप लोगों को, चलो इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी एक चीज़ देखो, देखो और एक चीज़ है कि वर वर कहाँ पे, वर कहाँ पे यूज़ होता है। चलो ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है हो गया, तो इसके अंदर मान लो कुछ डिक्लेयर कर दिया लेट एक्स इज इक्वल टू 10, सॉरी क्लास नहीं, कंसोल लॉग एक्स। देखो जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा क्या होगा, देखो इसको पहले क्लियर कर देते, एक सेकेंड क्लियर करते हैं। अभी जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा क्या होगा, बूम 10 आ गया। आगे जैसे ही अभी ये आपका बेडरूम हो गया, मान लो अभी ये एक्स का एक्सेस, मान लो ये आपका स्विच है, इसका एक्सेस जब मैं अपने डाइनिंग से लूँगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, स्क्रिप्ट रन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। देखो क्या होता है, क्या का एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या है आप ये वाला एक्सेस यहाँ से नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इसको एक्सेस आप नहीं कर सकते हो। ठीक है चलो इसका एक बार देख लो क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, हाँ इधर आओ, चलो इसको देखो क्या होता है, ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मान लो आपका घर है, मतलब ये जो भी है ये है इसके, ये है क्या है, ये एक से क्या है, ये एक से, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, क्या है ये एक से, इसका वैल्यू कितना है, 10। तो क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग जैसे किया, क्योंकि ऐसा रन होगा स्क्रिप्ट, जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 10 हुआ तो क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कितना प्रिंट करा दिया, ये 10। अभी जैसे ये बाहर आया, इसका मतलब जैसे ये ग्लोबल पे आया, या फिर तो आपका पंखा था ना, क्या वो एक्सेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसीलिए क्या आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइन, इसीलिए आ रहा है। अभी मान लो अगर ये कॉन्स्टेंट में भी सेम आएगा, देखो कॉन्स्टेंट हो गए ना तब भी सेम आएगा, ये देखो
देखो क्या होगा, इससे नोटिफाइड सेम आएगा। अभी और एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको वार से करूँगा, वार लिख दिया तो क्या होगा, देखो दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं हम, क्या हो गया, दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो आप तो ऐसा नहीं चाहोगे ना, ये देखो वर में क्या होता है, देखो वर केस, वर में क्या होता है, ये आपका हो गया, ये आपका पास है एक्सटेंड, जैसे ही आप कंसोल लॉक कर रहे हो यहाँ पे भी एक्सेस कर रहा है ये एक्स इज इक्वल टू 10, ये जो ग्लोबल स्कोप है यहाँ पे भी इसको आप एक्सेस दे रहे हो। ऐसा तो नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, कोड तो पॉल्यूट हो जाएगा ना। मान लो कि देखो यहाँ पे 3-4 लाइन का कोड है, अगर मान लो आप 10-12, मतलब मान लो कि 12 प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब तो ऐसा नहीं होगा ना। तब मान लो आपका फ्रेंड कुछ और डिक्लेयर किया, आप कुछ और डिक्लेयर कर दे रहे हो, तो क्या होगा कि पूरा कोड पॉल्यूट हो जाएगा, कि तो किसी का भी कोड रन नहीं करेगा ऐसे करोगे तो, क्योंकि वो कुछ वैल्यू दी आप कुछ वैल्यू दे रहे हो, चेंज हो जाएगा, इसको ओवरराइट कर दे रहा है, तो उससे क्या होगा, रन नहीं होगा। तो ही बस डिफरेंस है। और एक चीज़ देखो, कांस्टेंट और लेट में क्या होता है, देखो कांस्टेंट और लेट, एक बार जो आप डिक्लेयर कर दिए, मान लो कॉन्स एक बार आप डिक्लेयर कर दिए, तो दोबारा आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्या दोबारा आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट में भी सेम, लेट में अगर मान लो एक ऐसे कुछ डिक्लेयर कर दिए, तो दोबारा आप इसको लेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या हुआ कि कॉन्स लेट, अच्छा चलो आपको समझ में आया ना क्या क्या डिफरेंसेस है कॉन्स्टेंट और लेट, कॉन्स्टेंट लेट और वर में, ठीक है। तो चलो समझ में आ गया। अभी अभी दूसरा दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप्स, देखो डेटा टाइप्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा, दो दो तरह के डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। देखो आप, आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, गूगल पे जाना, डेटा टाइप्स MDN, ये डेटा टाइप्स का आप MDN पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि देखो कितने ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या नहीं है। देखो क्या, देखो अभी देखो एक चीज़ और चीज़ देखो, प्रिमिटिव में कितने टाइप के डेटा टाइप होता है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो प्रिमिटिव में कितने टाइप के डेटा टाइप आते हैं, 7 डेटा टाइप्स आता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक आता है स्ट्रिंग आता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कोर्स में, जब आगे बढ़ोगे तब पता चलेगा। देखो स्ट्रिंग हमेशा इसके अंदर लिखा जाता है, हमेशा कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग जब करोगे ना तो वही वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा ना। तो स्ट्रिंग हमेशा इसके अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू दो जो सेम है उसको सेम ही रहेगा, कुछ भी दो, ठीक है। दूसरे आता है नंबर, नंबर 1 2 3 4, जो भी जो नंबर होता है तो आपको पता है। और दूसरा टाइप होता है बुलियन, देखो बुलियन होता है ट्रू फॉल्स, ये आता है बिगिंट, बिगिंट इसी का नंबर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है, नंबर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ बिगिंट। उसके बाद आता है नन, देखो ये वाला थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा क्या क्या है, अनडिफाइंड, और लास्ट में आता है सिंबल, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपको देखते देखते पता चल जाएगा धीरे धीरे, कि जब 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 एरर आएगा तब तब आपको पता चलेगा। देखो ये अनडिफाइंड, अभी थोड़ी देर तो पहले तो देखा अनडिफाइंड आया था कहाँ पे, ये देखो इट्स नॉट डिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड है ना, क्या हो गया अनडिफाइंड आया ना, समझ में आ रहा है आपको। दूसरे टाइप आता है नॉन प्रिमिटिव, देखो एग्जाम्पल देख लो, एक मान लो कैसे देखते, कुछ कॉन्स्टेंट या लेट कुछ भी दो, एक्स इज इक्वल टू, मेरा नाम है मोइनक, अगर मैं इसको देखूं कि ये कौन से डेटा टाइप आता है, किस में आता है CLG, इस पर क्या करूँगा टाइप ऑफ, कुछ नहीं है बस ये सिंटैक्स है और कुछ नहीं है। देखो ये कुछ सिंटैक्स है, ये आप ये सिंटैक्स है, कुछ नहीं है बस सर सिंटैक्स ही है। देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या आएगा, स्ट्रिंग देख रहे हो। अगर मान लो कि मैं इसके अंदर कुछ नंबर दे देता हूँ,
const y is equal to 10, इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर y लिखते हैं, सब क्या हो गया, नंबर आ गया। ऐसे ऐसे देखते हैं, और एक चीज देख लेते हैं, बूलियन क्या होता है, बूलियन बूलियन भी देख लेते हैं। बूलियन देखो, बूलियन का क्या होता है, बूलियन का क्या सीन होता है देखो। अरे मैं कुछ गलत कर दिया, बूलियन का देखो क्या होता है, मान लो आप कुछ डिक्लेयर कर दिए, लेट एक्स इज इक्वल टू 10, लेट वाई इज इक्वल टू, गलत कर दिए, 15, और लेट जेड इज इक्वल टू 10। देखो अगर आप कंसोल लॉक करोगे ना, एक्स क्या वाई के बराबर है, देखो डबल इक्वल टू का मतलब, देखो और एक चीज़ देखो, कॉन्फिडेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू जब होगा तब क्या करेगा, ये कंटेनर इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर देगा, क्या करेगा, इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर देगा। डबल इक्वल टू का मतलब चेक करेगा कि क्या इसके बराबर ये है कि नहीं है। देखो लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, डबल इक्वल टू है, नेक्स्ट डबल इक्वल टू से, यहाँ पे देखो बुलियन वैल्यू आएगा, पहले में क्या आएगा, एक्स क्या वाई के बराबर है, नहीं है, देखो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 15, दूसरे में क्या आया, ट्रू आ रहा है। और एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर दिया, लेट ए इज इक्वल टू, मान लो ये स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू आना चाहिए, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या वैल्यू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए ना, क्योंकि ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, दोनों अलग अलग है, पर देखो क्या आएगा, ट्रू आया। इसीलिए और एक मेथड होता है हमारे पास, ट्रिपल इक्वल टू, इससे क्या होता है, इससे स्ट्रिक्ट चेक होता है, इससे अभी ये भी चेक होगा कि ये कौन से डेटा टाइप के अंदर आता है, कि स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है ये, देखो फॉल्स आ रहा है, देख रहे हैं बस इतना सही है। अभी देखो नॉट इक्वल्स टू कैसे देते, नॉट इक्वल्स टू कैसे देते, नॉट इक्वल्स टू देने का एक ही तरीका है, एक्सक्लेमेशन दो, इक्वल टू दो, अभी दूसरे में जाते, क्या एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है, इसका क्या ट्रू है, ट्रू है ना कि एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, राइट। अभी देखो, अभी एक्स इज नॉट इक्वल टू अगर जेड कर दिया तो क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा वैल्यू, क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये रॉन्ग है। चलो चलो दूसरे दूसरे दूसरा देखो कि ये हो गया, क्या क्या है, डेटा टाइप भी आ गया आप लोगों को, और मतलब वो वेरिएबल का डिफरेंस भी आ गया, भी थोड़ा सा बेसिक ऑपरेशन करते हो, एक चीज़ और रहेगा कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव, देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एक ही आता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। देखो ये आप लोग बाद में जाके बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इतना सा जान लो कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। देखो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम है ये, और ये बस इतना सही, मान लो कि आपका कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम देखो कि ये स्टूडेंट का कुछ ग्रुप है, ठीक है, इसमें सब कुछ, ये आइडेंटिटी कार्ड मान लो सब कुछ कॉमन है, रोल क्लास, ये स्टूडेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर नेम रोल क्लास, तो देखिए स्टूडेंट का नेम अलग होगा, स्टूडेंट का नेम अलग होगा, इसका नेम अलग होगा, इसका नेम अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, तो क्लास तो एक ही होगा ना। अगर मान लो कि यह दूसरे क्लास है तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, उसमें नाम अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, क्लास अलग होगा, ठीक है। तो देखो अभी इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट पहले देख, देखो अभी इतना मतलब अभी ऑब्जेक्ट हम जाके बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कांस्टेंट कुछ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, स्टूडेंट नाम का कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे कर दिया, इसके अंदर मान लो नेम दे दिया, मान लो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा मैंने, फिर रोल दे दिया वन, फिर क्लास दे दिया 15, सॉरी 15 क्या दे रहा हूँ, 5 दे दिया मान लो। ये सिंटैक्स है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो
जो देना पड़ेगा उसके पास डिक्लेयर करने के लिए ऐसे आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप डिक्लेयर कर सकते हो, नेम आया, रोल नंबर आया, क्लास आ गया। अभी देखो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ये सिर्फ एक मेथड है, देख लो। स्टूडेंट नाम दिया, अभी इसको एक्सेस भी तो करना पड़ेगा ना, नेम, रोल नंबर और क्लास कैसे देख पाओगे, कुछ नहीं देना। इसके बाद सिर्फ एक डॉट देना है, बस हो गया। देखो सारा सारा सब कुछ आ गया, क्लास, रोल नंबर, नेम, कुछ भी दो तो क्या आएगा। इसको कंसोल डॉट लॉक करा के देखते हैं क्या आता है। कंसोल डॉट लॉक करा लिया, देखो क्या आएगा, देखो क्या है, बात देख रहे हैं। पर आप इसको चेंज भी करना चाहोगे ना, तब ऐसे चेंज कर सकते हो, जैसे आप इसको एक्सेस किया था पहले, कैसे एक्सेस कर रहे थे ऐसे, इसको 5 कर दिया, अभी देखो क्या हो गया, 5 हो गया, देख रहे हो। बस ऐसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है, इसका ये कहाँ पे यूज़ होता है ये हम लोग बाद में जाके सीखेंगे, ठीक है। अभी उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना सा जान लो कि ये होता है नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा ही पाता है। सब बेसिक ऑपरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो मान लो एडिशन करना है, पहले डिक्लेयर करो लेट एक्स इज इक्वल टू 10, कुछ भी करो, लेट वाई इज इक्वल टू 15। अब इसको और एक वेरिएबल बनाओ, जेड इज इक्वल टू, जेड के अंदर क्या स्टोर करो, एक्स प्लस वाई। कंसोल डॉट क्या हो रहा है, ये कंसोल डॉट लॉक करा के जेड को वैल्यू देखो क्या आएगा, जैसे रन करूँगा 25 आएगा। देखो ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अब मैंने जेड पहले इसको देखो ट्राई रन करके, क्या होता है, देखो कहाँ पे दे रहा है ये बार बार। चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इजिकल टू पहले लेट एक्स इजिकल टू 10, पहले क्या हो, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स कंटेनर और कुछ भी बोलो आप 10, दूसरे वाले में आया ये वाला रन हो गया, दूसरे वाले में लेट वाई इजिकल टू 15, क्या हुआ वाई के अंदर कितना आ गया 15, वाली रन हो गया। अभी जेड, जेड को क्या किया, एक नया एक वेरिएबल बनाया सेट, इसके अंदर क्या हो, एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना है 10 प्लस 15, इसका वैल्यू कितना आ गया 25। एट द लास्ट में क्या हो गया, जेड का वैल्यू अब प्रिंट, ये क्या है नहीं है, सेट का वैल्यू कितना है 25। ये कुछ मिस्टेक मतलब मैंने शायद कुछ टाइप हो गया था कीबोर्ड से, तो इसलिए एस दे रहा है, बट एस नहीं है, बस इतना सही। सेट तो सेट का वैल्यू कितना है 25, तो क्या प्रिंट हो गया 25। देखो देखो ये वाला दोगे ना तो शायद एरर आ जाएगा, देखो एरर आ गया क्योंकि एस इज नोटिफाइड। देखो इसको डिलीट करो, तब इसको रन करोगे क्या आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25। देख लो अभी आप इसको सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप एक्स प्लस वाई को आप इधर भी कर सकते हो, देखो ये वाला को कमेंट आउट कर दो, ऐसे भी करोगे ना तब भी चलेगा, इसको क्लियर कर लो, ऐसे भी करोगे तब भी चलेगा। देखो ये देखो 25 देख रहे हो आ गया, बस इतना सा बेसिक ऑपरेशन है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो माइनस पे आएगा, देखो माइनस पे आएगा क्योंकि 10 से 15 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली माइनस पे आएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन कैसा सिंबल है ऐसा है 150, इसको डिवीजन करोगे तो जो डिवीजन का होता है नहीं आएगा, ना आ गया, देख रहे। बस इतना सा ही है, नेक्स्ट वीडियो पे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बस टिल देन आप देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको।